नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नालंदा के सिलाव थाना इलाके के चंडी माओ गांव के समीप दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में दो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक राजगीर थाना क्षेत्र के बेलौर गांव निवासी सुनील कुमार है। सभी जख्मी को इलाज के लिए सिलाव PSC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सर, इन लोग दीपनगर से गुजर रहे थे, मतलब लौट रहे थे घर, और रास्ता में सामने सामने बाइक टक्कर हो गया, जिसमें इनका देहांत हो गया। एक लड़का सीरियस है। दोनों बाइक पर एक एक आदमी थे जी? दोनों बाइक पर एक एक ही आदमी थे? नहीं, इस बाइक पर दो आदमी थे। उस बाइक पर एक आदमी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कंगड़सराय में 9 करोड़ 26 लाख रुपए लागत से बनी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने ही इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी मैंने ही किया। श्रवण कुमार ने इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, इस कारण मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज 22 से 24 घंटा बिजली लगातार गांव को मिल रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब सड़क का निर्माण होने लगा तो एक पॉलिसी बना राज्य सरकार और भारत सरकार का कि 500 से ज़्यादा जो आबादी है, अधिकारी बैठे हैं, हमारे BDO से लेकर DDC तक बैठे हैं। हम इनसे कहेंगे कि जितना अच्छा ये बिल्डिंग बना है उसके तासीर बनी रहे, उसकी खूबसूरती बने रहे, इसकी कोशिश जरूर कीजिएगा। पटना गया NH 83 नीमा गांव के पास गड्ढे में तब्दील हो गया है, जो जानलेवा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जनहित को देखते हुए मसौढ़ी SDM अनिल कुमार सिन्हा के आदेश से ये गड्ढा भराया गया। मौके पर DCLR मसौढ़ी और अंचलाधिकारी धनरुआ मौजूद रहे। अभी SDO साहब आए थे, SDO साहब DCLR साहब थे, और यहाँ पे जो ये ज़मीन है, यहाँ पे काफ़ी स्थिति बदतर हो गई थी, और सरकार इस पर था कि इस पर जो है कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की गई है, और NH के जो एजेंसी है उसकी मदद से इसमें रोड को जो है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना बच्चे हैं और महिलाएँ हैं उन लोगों की सुरक्षा सबको ध्यान में रखते हुए, और ताकि अंजाम भी काफ़ी लग जाता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो है इसकी कार्रवाई की जा रही है। पटना गया NH 83 पोथी के पास बाबा रिसोर्ट द्वारा अवैध रूप से बनाए गए चार दीवारी को मसौढ़ी SDM अनिल कुमार सिन्हा के आदेश से अतिक्रमण मुक्त कराया गया, साथ ही बाबा रिसोर्ट को भी सील कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व में भी एक मामले में बाबा रिसोर्ट को सील किया गया था। मौके पर SDPO सोनू कुमार राय, अंचलाधिकारी और पुलिस मौजूद रही। मैडम, ये पहले से सील था, इनका बाउंड्री अलाइनमेंट में आ रहा था, रोड अलाइनमेंट में, इसलिए बाउंड्री टूट जाने के बाद होटल को ज्यों कहते हैं सेल कर दिया गया। किसके आदेश हो रहा है मैडम? ये SDO साहब थे, DCLR साहब थे, उनके आदेश अनुसार ये कार्य किया गया। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पिरोटा गांव में एक व्यक्ति की रात्रि में हत्या कर गांव के कुछ ही दूर पर रास्ते में शव को फेंक दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घरवालों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। कोई काम ज्यादा ऐसी होने पर आग लग गया, तुरंत पानी पड़ता है, अब ये होने का सब तो हो गया। और इस वक्त के बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।